चलिए अब पढ़ना है आपको आर्टिकल 356। स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे, या इसको सोचो, ऐसा मत सोचो, अगर गवर्नर को ऐसा लगे, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ठीक है, या और कोई रीजन से कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है, स्टेट सही नहीं चल रहा है, या स्टेट की गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बेकाबू हो गई है, जनता के साथ अन्याय वगैरह हो रहा है, इस तरह की अगर सिचुएशन हो जाए भयंकर, और जनता भी जो है बार बार जो है आंदोलन वगैरह करने लग जाए या लगने लग जाए, जो है स्टेट की जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी पब्लिक स्टेट के खिलाफ है या गवर्नमेंट के खिलाफ है, तब उस कंडीशन में गवर्नर जो है, उस कंडीशन में गवर्नर जो है आपके प्रेसिडेंट को लिखेंगे कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है, ये कारण है, जो गड़बड़ होने के कारण जो है मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो है इस स्टेट में या स्टेट के किसी पार्ट में जो है आपको क्या लगानी चाहिए, इमरजेंसी लगानी चाहिए, और कंट्रोल जो है आपको डायरेक्टली अपने अंडर में ले लेना चाहिए, डायरेक्टली अपने अंडर में ले लेना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट उसको रेक्टिफाई कर देते, हाँ आप सही कह रहे हो, आपकी रिपोर्ट जो आपने भेजी है वो बिल्कुल सही है, उसके फिक्स रीजन होंगे कुछ, ठीक है ना, उसको मान लेती है, तो उस स्टेट पे जो है कंट्रोल तो किसका हो जाएगा, मतलब उसके चलाएंगे चलाने वाले कौन हो जाएंगे, गवर्नर, चलाने वाले कौन हो जाएंगे, गवर्नर। और सुनो, सीएम प्लस उनकी जो कैबिनेट है वो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल, कब तक, जब तक इमरजेंसी लगी हुई है या फिर नई गवर्नमेंट चुन के आती है तब तक, ठीक है ना। सीएम और उनकी कैबिनेट कुछ काम नहीं कर पाएगी, सारा काम कौन करेंगे, गवर्नर अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि इनके साथ हेल्प करने के लिए जो आपको पता आईएएस वगैरह होता है वो काम चला रहता है, जिनकी खास कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इनडायरेक्टली किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, वो जैसे कहेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये तो इसका मीनिंग है, ठीक है। पर होता क्या है इंडिया में कि कभी कभी क्या होता है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो पर्सनल रंजिश के कारण, पहली बात, या आपस में जो है मेल मिलाव, आपको पता है किस तरह से पार्टीज लड़ती है, तो खुद के मैटर देखने लिए कि यार इस स्टेट में भी अपनी सरकार बन जाए, तो हमेशा यही ट्राई करते रहते हैं इंडिया में कि एक दूसरे से कि हमारी सरकार ही सब जगह हो, बाकी सरकार गिर जाए, तो फिर अलग अलग रीजन देंगे, अलग अलग कारण देंगे, डिबेट वगैरह न्यूज में देखते हो जो बिल्कुल इरेलेवेंट है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो आपस में ये लोग ऐसे ही लड़ते मरते रहते हैं ताकि क्या हो, अपनी सरकार ज्यादा ज्यादा चले या सभी जगह अपनी सरकार हो जाए। उस चक्कर में क्या होता है कि अगर थोड़ा रीजन भी मिलना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, थोड़ा रीजन भी मिलना चाहिए कि एक्चुअल में ये कारण था, छोटा सा कारण था, उसको फिर बड़ा बड़ा बना के जो है ऐसे कुछ चीजें कर देते हैं, और जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देते हैं, और लगवाते कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन सी, सेंट्रल वाली, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो होती है वो जो है अपने साथ में डिस्कस करके ऐसे लगाते हैं। ये तो एक बात, दो दो दूसरा पॉइंट तो ये, तीसरा पॉइंट है, कोई ये पूछेगा सर ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा तो फिर क्या होगा, तो देखो आपको पता हो तो गवर्नमेंट का एक थर्ड पार्ट होता है, इसका नाम है जुडिशरी। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी जो है आपसी जो है रंजिश की वजह से, आपसी एनिमिटी के कारण या और किसी कारण से जो है लगा दी गई थी, या गवर्नमेंट जो है ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ये जो जिस गवर्नमेंट को भी हटाया गया स्टेट के अंदर या और किसी भी पार्टी के अंदर, उसी पर कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहां पे भी, ठीक है, और वहां जाके केस करेंगे, साहब ऐसा ऐसा है, कोई खास कारण नहीं था और बिना मर्जी जो है इन्होंने ऐसा कर दिया, जज उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो देखेंगे, चेक करेंगे, और वास्तव में अगर उनको लगता है कि जो कारण दिए गए हैं गवर्नर ने जो दिए हैं या जो भी रीजन है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है, तो इमरजेंसी है वो हाथों हाथ जो उसी दिन से हटा दी जाएगी, फिर उस टाइम प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपने लगाई है वो जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं थी और आपने जबरदस्ती लगा दी, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है दो तीन बार बोला है कि आपने गलती कर दी, फिर तो चाहे वो नेशनल इमरजेंसी भी हो, वॉर वाले में तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो दिखती बात है, देशभक्ति की बात है, बाकी कोई ऐसे गलत रीजन की वजह से अगर पर्सनल आपस में मुझे लगा दे तो ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट चांसेस है ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में जैसे देखो चार बार लगी है, राजस्थान में इमरजेंसी जो है स्टेट इमरजेंसी चार बार लगी है, भैरू सिंह जी की सरकार वगैरह थी, सेंटर में कांग्रेस थी वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपको उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, ये बात है आपकी टोटल। अब मैं पढ़ देता हूँ उसको,
by Article 356, if on a report from the governor or otherwise, the president has the apprehension of the lage, that the government is not able to function in accordance with the constitution. उनको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चल रही है, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है. ही इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम इमरजेंसी. ठीक है, वो एक पूरा सशक्त है, वो कैपेबल है स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाने के लिए. एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. और क्या करे, जो असेंबली है, जो विधानसभा है, असेंबली है या काउंसिल है, उसको क्या करे, गिरा दे या उसको मतलब कैंसिल कर दे, आज से आपका काम खत्म. दिस इज नोन एज द प्रेसिडेंट रूल इन जनरल टर्म. उसको जाना माना जाता है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी. ठीक है, जनरल फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल. कौन से वाले को, आर्टिकल 356 वाले को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी. आर्टिकल 352 को क्या बोलते हैं, ओनली नेशनल इमरजेंसी. और आर्टिकल 360 में जो इमरजेंसी लिखते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. समझ गए हो, अगर कभी आ जाए कि भाई है ना राइट अबाउट द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, तो आप क्या बोलोगे, प्रेसिडेंट ने लगाई है, इसमें स्टेट का तो कोई नाम नहीं है, लिख दो 352 वाली. तो नहीं लिखनी है, सबके नाम अलग अलग है, समझना. The proclamation shall be presented in the parliament within 2 months. हाँ, एक और बात है, ये जो भी चीजें हुई है, प्रेसिडेंट ने लगाया है नहीं लगाया, इसको आपको जो है प्रूफ करवाना पड़ता है. बात वो कि वो है, आना कहां चाहिए, जो सारी चीजें इंडिया में हो रही है, आपको प्रूफ कहां करवानी पड़ेगी, चाहे तो फिर वो नेशनल इमरजेंसी भी हो, दोनों केसेस में, तीनों केसेस में, नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, फाइनेंस इमरजेंसी हो, तीनों इमरजेंसी लगी हुई हो, तो भी आपको सबसे पहले लाना पड़ेगा जनता के दरबार में. प्रेजिडेंट लगवा सकते हैं, फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, पहले आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा. अप्रूव कहाँ होगी, जनता के दरबार में. जनता का दरबार कौन सा है, वही लोकसभा और राज्यसभा. तो दोनों हाउसेस आपको पहले पास करवानी पड़ेगी, दोनों हाउसेस से आपको पास करवानी पड़ेगी. चाहे लग गई हो, मान लो 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, लग गई इमरजेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रूव करवानी पड़ेगी. महीना, दो महीना, टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, महीना, दो महीना, उसमें टाइम फिक्स होता है कि इसके अंदर आपको पहले हाउसेस से पास करवानी पड़ेगी, उसके बिना जो है काम नहीं चलेगा, पहली बात. दूसरी बात नोट कर लेना, अब अगर किसी के मन में आ जाए सर लोकसभा सेशन में नहीं हो, फिर क्या कर लोगे आप, दोनों हाउस कहां से आएंगे. तो उसमें ये होता है कि जब भी लोकसभा लगेगी तो जल्द से जल्द उसको पास करवाना पड़ेगा. ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, कोई पूछ न ला, इसलिए मैंने इसका बीच में जवाब दे दिया. ठीक है ना, अब आते हैं ऑफिस अपने, तो आपको पार्लियामेंट से जो है पास करवानी पड़ेगी. ठीक है ना, चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो, फाइनेंस इमरजेंसी हो. ठीक है ना, और वो पास नहीं होता है तो इमरजेंसी उसी दिन से जो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. इमरजेंसी उसी दिन से कैंसिल हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है कभी. क्यों, क्योंकि इमरजेंसी लाया कौन है, जो मेजोरिटी की, जिसकी सरकार है. तो जिसके पास मेजोरिटी है, आप कुछ भी कर लो, मेजोरिटी आज भी है और कल भी है, कैसा भी मामला हो, तो पास करवा लेंगे. कैसे पास करवा लेंगे, वोट है उनके पास, उनके पास उतने मेंबर है, 272 से ज्यादा मेंबर्स है लोकसभा में, और वहां पे स्टेट में भी जो है, सॉरी राज्यसभा में जो है वो वहां पे मेंबर्स है. तो जिस पार्टी के मेंबर्स है उसी का प्रेसिडेंट बनेगा, उन्हीं का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, मतलब उनसे रिलेटेड या जिसको वो सिलेक्ट करेंगे, और उनके हिसाब से बिल वगैरह सारे चलते हैं. अपोजिशन तो जो है कुछ नहीं कर सकती ज्यादा. हाँ, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो फिर उसे होगा नहीं. सब आपको मेजोरिटी प्रूव करनी, जिसके पास मेजोरिटी है बस उसी की चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं. हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कुछ गलत कर देती है वो गवर्नमेंट, मेजोरिटी चाहे हो, चाहे अभी बीजेपी गवर्नमेंट उसके पास चाहे तो 350 सीट है. ठीक है, और वो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो गलत काम कर देती है, फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायोलेशन हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आएगा और वो उस चीज को कैंसिल कर सकता है. ठीक है ना, तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी. एक है हमारे पास, कौन है, जुडिशरी, वो चीजों को हैंडल कर लेती है. गलत है तो गलत है, चाहे तो फिर सरकार आ जाए, कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है ना, ये बात थी आपको बतानी. चलो देखते हैं. द प्रोक्लेमेशन शैल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन की जिस दिन से लागू हुआ हो, ठीक है ना, कौन, इमरजेंसी. वेयर दिस प्रोक्लेमेशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. दोनों हाउस से पास होना जरूरी. The President's rule shall continue in any state for more than 1 year on the condition that national emergency is declared in the nation under the Article 352. ठीक है, पहली condition जो है, एक साल से ज़्यादा किसी भी state के अंदर emergency लागू रह सकती है. कब, जब वास्तव में लगे कि जो है पूरे इंडिया में national emergency है. ठीक है, बात समझो, बात ऐसी है कि अगर आपको लगे, अगर अगर पहली ऐसी सिचुएशन आती है कि जब किसी स्टेट को लगे
कि हमारे यहां जो इमरजेंसी लगी हुई है वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर अगर ऐसा होता है कि नेशन के अंदर, ये दूसरी बात है, इसी के अंदर नेशन के अंदर, नेशन जो है हमारी कंट्री के अंदर में वास्तव में जो है 352 के अंदर वाली इमरजेंसी लगी हुई, स्टेट में तो कौन सी लगी हुई है 356, और कंट्री के अंदर लगी हुई है इमरजेंसी कौन सी 352 वाले, तो वार वगैरह वास्तव में हो गया है, उस वक्त कोई स्टेट जो है कोई कोर्ट वगैरह नहीं जा सकता है कि सर जो है इमरजेंसी लग गई, कोर्ट भी यही कहेगा दिखती बात है पूरे नेशन में इमरजेंसी लगी हुई तो तुमको अलग से थोड़ी आयो, ठीक है ना। उस कंडीशन में जो है स्टेट कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। हाँ, अगर सेपरेट में लगी हुई है और नेशन में कुछ नहीं लगी हुई है और स्टेट की गवर्नमेंट को लगता है हमें जो है बेमतलब का जो यहां से निकाल दिया, उस वक्त आप कोर्ट में जा सकते हो। तब तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी है, एक साल से ज्यादा लगी रह सकती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, स्टेट इमरजेंसी लगी थी, क्यों लगी थी, तो सरकार सही से काम नहीं कर रही थी, तो हमने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, सरकार को कैंसिल कर दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि नहीं फ्रेश इलेक्शन करो, फ्रेश इलेक्शन करो, क्यों करो, क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, पहले जो गवर्नमेंट थी वो सही से काम नहीं कर रही थी। और दूसरी बात, वो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट कोर्ट में भी चली गई, कोर्ट ने भी बोल दिया नहीं इमरजेंसी लगी जो सही लगी है और आप सही से काम नहीं कर रहे थे, अगर आपके पास मेजोरिटी, सॉरी आप सही से काम नहीं कर रहे थे और आपको जो है प्रूफ करनी पड़ेगी मेजोरिटी, ठीक है ना, जब वापिस से जो क्या नाम उसके इलेक्शन वगैरह होंगे तब, ठीक है, तो उस मामले में क्या होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होने के बाद अगर वो पुरानी वाली पार्टी फिर से जीतती है तो सरकार बनाएगी, नहीं जीत के कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी, ठीक है, इतना सही मामला है। जिसको समझ में नहीं आया फिर से देख लो, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, बात खत्म, गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें पढ़ी, उनको लगा हाँ भाई गलत हुआ है तो वो ऑर्डर देगी कि नहीं साहब गड़बड़ कैंसिल कर दो, तो इमरजेंसी कैंसिल, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं जो लगवाई इमरजेंसी सही लगाई क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट वो सही से काम नहीं कर रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उस वक्त क्या होगा, ऑर्डर दिए जाएंगे कि नए इलेक्शन करवाओ, नए इलेक्शन करवाओ, सारी सारी सीटों पे फिर से इलेक्शन होंगे, राजस्थान की बात है तो 200 सीटों पे इलेक्शन होंगे, असेंबली की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी चाहे वो पुरानी वाली हो या कोई नई हो, जो भी हो, वो अगर मेजोरिटी प्रूव कर देती है कौन सी 101 वाली, तो वो सरकार बनाएगी, सरकार कितने साल के लिए होगी, पूरे 5 साल के लिए होगी, ठीक है ना, ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे, President rule shall continue in any state for more than 1 year on the condition that the national emergency is declared in the nation under the Article 352 or the Election Commission certifies that the election cannot be held in the state. जो वो अब पहला वाला जो reason बताएगा, अगर nation में वास्तव में emergency लगी हुई है तो President rule जो है वो state के अंदर चलता रहेगा जब तक कि emergency जो है nation वाली या तो खत्म नहीं हो जाती या जो है इलेक्शन कमीशन नहीं कहता कि भाई अभी इलेक्शन नए करवाने पड़ सकते हैं या नए इलेक्शन करवाने चाहिए। But in any situation, the president rule cannot be continued in any state for more than 3 years. पर किसी भी हालत में जो है 3 साल से ज्यादा जो है इमरजेंसी आप लागू नहीं करवा सकते किसी भी स्टेट के अंदर। In fact, this provision has been in use many times on the basis of politic ratio. और ये जो मामला है मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स की वजह से आपसी जो है वो गड़बड़ी के कारण जो है कई बार ऐसा हुआ है कि जो है नेशनल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे परेशान करती रहती है। So the president rule has been established in many states of the nation more than 100 times. और इंडिया की बात करें 100 बार से ज्यादा जो है president rule जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे लागू हुआ है, राजस्थान में खुद में 4 बार हुआ। The central government tries to dissolve the government of the state of opposition parties with this article. ठीक है, और central government ये try करती रहती है कि उनके विपक्षी पार्टी अगर किसी स्टेट में रूल कर रही है, जैसे कि बीजेपी सेंटर में है, कांग्रेस राजस्थान में है, ठीक है ना, तो बीजेपी हमेशा ये ट्राई करेगी कि जो है किसी न किसी कारण से जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाए और कुछ दिनों बाद जो है हमारी सरकार बन जाए, तो आरोप लगाते रहते हैं। जो भी आप आरोप वगैरह ये सारी चीजें देखते हो ये जो है बस आपस में लड़ाई के लिए होते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं सही सरकार काम नहीं कर रही है, वो बोलता है वो सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो ये आपस में हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्योंकि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना जो है मामला देखना है। It has also affected the relation between the state and the center. इससे क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में एक जो है
हल्की सी जो तनातनी हमेशा बनी रहती है, वो ऊपर से पैसे रिलीज नहीं करता है, ठीक है, क्यों रिलीज नहीं करता है, फाइनेंस कमीशन तो अपने घर का उसको बोल देता है कि इसको कम परसेंटेज देना, ठीक है, फिर वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो मामला चलता रहता है। टिल 1967 व्हेन देयर वाज द रूल ऑफ कांग्रेस इन द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वाज डिक्लेयर्ड ओनली 7 टाइम बट एज द अपोजिशन पार्टी बिगेन टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द स्टेट दिस आर्टिकल वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अभी बता रहा है 1967 तक, ठीक है, जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी सेंटर में भी थी और स्टेट में भी, सब सभी स्टेट में से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उस वक्त जो इतनी पार्टीज नहीं थी, ये बीजेपी बीजेपी कुछ नहीं था उस टाइम, एक ही पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, या और कोई छोटी मोटी पार्टी थी होती थी तो वो इतनी बड़ी नहीं होती थी, तो इस तरह के कोई मामले नहीं आए। पर 1967 के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, चाहे तो फिर वो समाजवादी हो, बहुजन हो, तृणमूल हो, या चाहे तो बीजेपी हो, ये जो छोटी छोटी पार्टियां शिवसेना वगैरह ये उभरने लगी तब जो है, और इनकी सरकारें बनने लग गई स्टेट के अंदर, तब कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई और जो है सेंट्रल और स्टेट बीच में जो है लड़ाई वगैरह स्टार्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि सब यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट में हमारी सरकार रहे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि स्टेट में हमारी सरकार नहीं रहे, आपस में हमेशा मामला चलता रहता है। बट एज द अपोजिशन पार्टीज बिगेन टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द स्टेट दिस आर्टिकल वॉज यूज ऑन लार्जर स्केल, ठीक है, और उसके बाद से जो है कई बार ये आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है ना। अभी आपने क्या पढ़ा कि 100 बार से ज्यादा स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है ना, और 1967 तक सिर्फ 7 या 9 बार ही लगी थी, पर उसके बाद से जो ज्यादा मामले क्यों बढ़ गए, इसलिए बढ़ गए ज्यादा पार्टीज हो गई, अलग अलग गवर्नमेंट्स हो गई, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मैनी टाइम्स द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड टू रिवोक द प्रेसिडेंट्स रूल एंड रीइंस्टेट द स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीच में पढ़ के जो है वो प्रेसिडेंट रूल को कैंसिल किया है, स्टेट इमरजेंसी को कैंसिल किया है, बोला है आपने जो है गलत लगा दी, ठीक है ना, तो वो न्याय मिला उनको। This proves that this article is also used liberally for political reasons. और ये भी देखा गया है कि हमेशा political reasons की वजह से ये article use होता है, ठीक है ना। ये था आपके article number 356, जिसमें state emergency के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है ना। अब आता है next जो है आपके financial emergency, इसमें क्या है, by this, हाँ इसमें यही है, अगर country में पैसे की कमी हो जाए या country के जो consolidated fund जो आपको अभी बताया, आरबीआई के पास भी रुपए नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है और सरकार को चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पैसा बिल्कुल नहीं है, उस वक्त क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, और वो लिख किस में रखी है, आर्टिकल 316 में लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि भाई जो आपकी तनख्वाह वगैरह होती है, तनख्वाह वगैरह जो होती है ना वो कम कर दी जाती है या बिल्कुल ही नहीं दी जाती, किनकी, सरकारी जो कर्मचारी वगैरह है उनकी, प्लस जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के वो भी बंद कर दिए जाते हैं, मान लो वेलफेयर के किसी प्रोग्राम में या नरेगा वरेगा में या बेटी बचाओ या जो भी है, एक्स वाई जेड बहुत से प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनमें सारा जो फंड है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, सारा सारा पैसा ये ट्राई किया जाता है कंट्री को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी को ठीक करने में लगा रहे और बाकी जो मिसपेंडिंग करें डेवलपमेंट के काम अभी रोक दिए जाए फिलहाल के लिए, कुछ महीना 3 महीना 6 महीना साल भर के लिए, ताकि कंट्री जो है वापस बैक जो है ट्रैक पे आ सके। साथ ही साथ हमेशा क्या होता है कि आप जो है किसी न किसी से उधार लेते हो, ठीक है, आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसको चुकाते रहते हो, पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हो, आपके पास पैसे नहीं आ रहे तो क्या करते हो, आप तो अपनी कोई चीज बेच देते हो, सेल कर देते हो, या किसी से और से कोई चीज जो है गिरवी रख के रुपए लाते हो और वो उधार चुकाते हो। वैसे ही वैसे हमारी कंट्री जो इंडिया है उसने बहुत लोन दे रखे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, हमने लोन किससे, वर्ल्ड बैंक से, जापान से, अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, हमने लोन ले रखा है और उस लोन को चुकाने के लिए हमें जो है महीने के महीने या साल में ब्याज चुकाना पड़ता है खुद इंडियन गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि इंडिया के अंदर पैसे नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है या किसी कारण से भाई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, या जैसे लॉकडाउन वगैरह की कंडीशन हो गई जिसमें क्या हो गया भाई अभी आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, व्यापार बिल्कुल बंद है, दुकानें बंद है, भाई गवर्नमेंट चलती किससे, टैक्स से चलती है, अब टैक्स देने वाले सभी बंद, घर में बैठे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, लोग घर में हैं, तो पैसे कहां से आएंगे गवर्नमेंट के पास। इंडिया चलो बड़ा कंट्री है, उसके बाद इतना पैसा होता है वगैरह वगैरह, तो लेनदारियां चुकाने तो पड़ेंगी ना, या खर्चे चुकाने तो पड़ेंगे, बस उसी खर्चे को चुकाने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती है और बोल देती है कि भाई वास्तव में हमारे पास पैसा नहीं है और अभी जो है सबकी तनख्वाह वगैरह इतना पैसा जो है हम तनख्वाह में देते हैं उसको आधा कर देते हैं या बिल्कुल ही कम कर देते हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों वगैरह अलग अलग स्टेप्स उठाए जाते हैं, ठीक है, तो ये समझने की बात है भाई, पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यही बात है। अभी यही बात देख लो, ये लॉकडाउन है अभी तो इसमें चलो धीरे धीरे जो है छूट दे दी है, अगर यही लॉकडाउन जैसा पहला वाला था
जो 14-21 दिन का लगा तो वैसा वैसा अगर 4-5 महीने लग जाए ना तो सभी को घर में रहना पड़ जाए तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ो इंडियन गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी जिसके अंदर जो है सभी लोगों के पैसे वैसे काटने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये बात है। By this article, if the president has the apprehension that the financial stability or credit of India has been badly shaken, he may proclaim a financial emergency. The approval of the parliament for this proclamation is essential within 2 months. ठीक है, वही बात है, हर एक की time duration होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर financial emergency लगा भी दी है तो 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको parliament से pass करवानी पड़ेगी। During the financial emergency, the union government may reduce the salary and allowances of its employees, the judges of the Supreme Court and the High Court. Financial emergency has never been declared in our country. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि financial emergency जो है हमारी country में लगी है। हाँ, इसमें आप चाहो तो लिख भी सकते हो या सुन सकते हो। एक बार कंडीशन आई थी 1991 में जब इंडिया के पास बिल्कुल पैसा नहीं था और हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंडिया के पास जो है सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया के खर्चे चलाने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा ही बचा था और 8वें दिन जो है इंडिया जो है बैंकक्रप्ट दिवालिया होने वाला था और हम जो है मतलब हालत हमारी बिखरने वाली थी। उस वक्त जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे बाद में, वो वहां के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है, इसलिए उनको जो है इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त जो है अपना दिमाग लगाया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और जानकार आदमी है। ठीक है ना, तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने जो है हमारे जो मार्केट थे वो विदेशी कंपनियों के लिए, फॉरेन कंट्री कंपनीज के लिए खोल दिया। कैसे, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि बाहर की कंपनी जो है वो भी इंडिया में आ सकती है और क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है और पैसा इन्वेस्ट कर सकती है जगह जगह। ठीक है, और उसे हुआ क्या कि विद इन, जैसे ही उन्होंने प्रोक्लेम किया उसी दिन अलग दिन से लोग तो तैयार बैठे थे व्यापार, ठीक है, लोग तैयार बैठे थे, लोगों के पास फॉरेन में पैसे थे तो लोग फॉरेन की कंपनीज जो है वो आई और इंडिया के अंदर उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया, पैसे भरे, वो 1-2 दिन में हो जाता है और इंडिया जो है फिर से ट्रैक पे आ गई, नहीं तो जो है हमारी हालत और खराब हो जाती है। तो उसको आप कहते हैं एलपीजी, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब पहले 1991 से पहले जो है बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आती थी, कार्स, स्कूटर्स, कपड़े वगैरह ये नहीं मिलते थे और मिलते थे इनमें बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। हमने क्या किया, टैक्सेशन बिल्कुल कम कर दिया हमने, मीन्स मनमोहन सिंह जी ने, टैक्स जो है बाहर की कंपनीज पे कैसे कर दिए, सीधा सा एग्जाम्पल समझो, एक मारुति गाड़ी छोड़ी आती, एक कार आती है, ठीक है, कोई भी बाहर की कंपनी की, बाहर की वर्ल्ड की या किसी भी देश की, मान लो इंग्लैंड की आती है, वो इंग्लैंड में कार आती है 10 लाख रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने की आती है 10 लाख रुपए की, पर अगर वही कार इंडिया में बेचनी होती थी 1991 से पहले, कब, 1991 से पहले, तो वो उस पे जो है 200% 300% टैक्स लगता था, समझ रहे हो, 300% टैक्स, मतलब कि 10 लाख की कार पे है 300% लगाने के बाद करीब करीब 40 लाख की वो कार पड़ती थी, कितनी पड़ती थी 40 लाख की, 10 लाख की तो कार और 300% 30 लाख का ओनली टैक्स, तो 40 लाख की कार जो है इंडिया में लेनी पड़ती थी अगर ऐसा होता तो, होता तो नहीं था ऐसे। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, वो टैक्सेस बिल्कुल कम कर दिए और बोल दिया कि नहीं, आपको सिर्फ जो है 15-20% ही टैक्स लगेगा, अब क्या है कि वो कार जो है 10 लाख की आती थी वो 12 लाख में 13 लाख में मिलने लग गई। ये चेंज किया किन्होंने किया, मनमोहन सिंह जी ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसलिए उनको सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है, उनका योगदान जो है पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा है। ये जरूर है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं या करते थे, पर उनके जैसा जो है वो कोई नहीं था, ना कोई है अभी भी। फिर कहा गया, Thus, it is clear that the president has various constitutional power in ordinary and emergency time, but he is a formal power holder. He cannot enjoy these power according to his own will. ठीक है, मैंने आपको हजार बार बताया, president जो है किसके कहने पर चलता है, council के हिसाब से चलता है, अपने मामले में ज्यादा नहीं चलता है। Due to constitutional provision and practices, he can exercise these powers only on the recommendation of the prime minister and the council of ministers. Thus, in India, the president is the ceremonial symbol of national pride and sovereignty. He is not a symbol of power in spite of being the president. ठीक है, जैसा president होता है अमेरिका वगैरह में उस तरह के नहीं है, वहां पे जो है काम के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ नाम के हैं। यहाँ पे काम कौन संभालता है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो भी सरकार है या उनकी जो भी कैबिनेट है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, पढ़ो इसको और कल जो है हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए पेपर्स, उसमें प्रेसिडेंट वाला निकालो और उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और सबसे मेरी यही रहेगी, 1-2 बार वीडियो को देखो, किताब को पढ़ो, उसके बाद में पूछो,
और हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ये एक्चुअली एग्जाम में तो आते नहीं है। और इसका ठीक है, क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, मैं तो जवाब दे दूंगा, मुझे तो ठीक ठाक है नॉलेज, बाकी जो है इसका कोई सेंस नहीं बनता, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होते हो। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।